कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट। फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अरे ये क्या, मोदी जी बोले जा रहे हैं और उनके सैनिक मैदान छोड़े जा रहे हैं, वो भी उनके खुद के संसदीय क्षेत्र में। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में बीजेपी का बूथ विजय सम्मेलन था। मोदी जी पहुंचे थे इन्हीं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए, उनको संबोधित करने के लिए। लेकिन जिनके लिए मोदी जी पहुंचे, वो लोग ही बीच संबोधन में बाहर का रास्ता पकड़ने लगे। दरअसल पीएम मोदी तय समय से करीब आधे घंटे की देरी से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और ऊपर से मोई रस्म अदायगी, स्वागत, सत्कार और ना जाने क्या क्या। दिन चढ़ने के साथ ही ये सारे के सारे कार्यकर्ता यहाँ जम गए, वो भी बिना कुछ खाए पिए। तो ऐसे में संबोधन शुरू होने के साथ साथ कार्यकर्ता यहाँ से निकलना भी शुरू हो गए। तो वहाँ से निकलने वाले कार्यकर्ताओं से जब हमारे संवाददाता ने बीच संबोधन जाने की वजह पूछी तो गजब बहाने दिए जाने लगे। एक मीटिंग है, उसी में जा रहे हैं, फिर अभी तुरंत हम लोग आएंगे। अभी नहीं, ये तो एक घंटे का कार्यक्रम ही है मात्र, इसमें बीच में आप जा रहे हैं। नहीं जा नहीं, भाषण नहीं सुन रहे हैं आप? नहीं जा नहीं रहे, अभी हम तुरंत आ रहे हैं, हम लोग जाएंगे। लौट रहे हैं? जी तुरंत अभी लौट रहे हैं। हरिवंश सिंह धारसौना चोलापुर से बूथ अध्यक्ष। अभी कार्यक्रम के बीच में ही क्यों जा रहे हैं? नहीं, कार्यक्रम के बीच में नहीं जा रहे हैं, हम आम रोक रहे हैं लोग, चार पांच लोग। मोदी जी का कार्यक्रम हम छोड़ के बीच में नहीं जा सकते हैं। पास में भैया, अपने बैरक में जा रहे हैं बैठे। कुर्सी छोड़ के आप लोग उठ गए? नहीं, कुर्सी छोड़ के नहीं जा रहे हैं। साथ में है योगी जी का ही, योगी जी का हम लोग साथ में है, योगी जी की सरकार बनेगी। नहीं, भाषण सुन रहे हैं भाई, सेल्फी भी लिया है साथ में। कुर्सी हम लोग नहीं छोड़ने जा रहे हैं। मोनिका पांडे मेरा नाम है, मैं यहाँ पे भाजपा में मंडल अध्यक्ष हूँ। ये बताइए, कार्यक्रम के दौरान अभी मोदी जी का संबोधन चल ही रहा है, आप जा रहे हैं? जी नहीं, हम लोग जा नहीं रहे, हमारे साथ एक बेटी आई हुई है जिसका परीक्षा है, बस उसको खाली गेट तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं कि उसको गेट तक छोड़ के फिर हम वापस फिर आ जाएंगे। वहीं बाहर निकलने वाले इन कार्यकर्ताओं में बीजेपी ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष सोमनाथ मौर्य भी मिल गए और सवाल पूछे जाने पर गजब ही भड़क गए। मेरा नाम सोमनाथ मौर्य है, मैं ओबीसी मोर्चा का महानगर अध्यक्ष हूँ। क्या बता रहे थे, क्यों कुर्सियाँ खाली हो गई? कुर्सियाँ खाली नहीं हुई है, 12 बजे से पब्लिक आई है, पूरा ठसाठस 20,000 के बूथ अध्यक्षों का बैठक था और सारे कार्यकर्ता मिला के लगभग 30,000 के आसपास की संख्या में लोग आए थे। इसके बावजूद पूरा जब ठसाठस भरा होता, तेज धूप है, मौसम खराब है, 12 बजे से भूखे प्यासे पब्लिक बैठी हुई है और कुछ लोग अपना पेशाब वेशाब करने जा रहे हैं, कुर्सियां खाली नहीं है। नहीं तो मोदी जी का भाषण चल रहा है, उसी दौरान ही क्यों जा रहे हैं? नहीं, आपका कहने का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। किसी को अगर कोई पेशाब लगा यूरिनल है तो आप मोदी जी का भाषण चल रहा तो यही सभा में ही करेगा वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कहाँ खाली है कुर्सियाँ? आप तो सभा समाप्त होते समय आप आए हैं ना रिकॉर्डिंग करने? अभी तो मोदी जी का चल रहा है। हाँ तो चल रहा है, तब समापन पे ही है। मोदी जी काफी देर से बोल रहे हैं, करीब 25 मिनट से बोल रहे हैं। अब इन कार्यकर्ताओं के बीच संबोधन बाहर जाने की इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर विपक्ष और कई लोगों की तरफ से चुटकियां ली जा रही हैं। तो भैया, खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घनी बेइज्जती कर दी मोदी जी की, अब बीजेपी भी क्या करेगी? वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।